हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फेस पे कॉकरोच चलने वाला वीडियो कैसे बनाते हैं। फेस पे चलते चलते नाक में घुस जाता है, उसके बाद से बाहर निकलता है, कुछ इस तरीके का वीडियो। और ये वीडियो एक लड़की ने बनाई है और इस वीडियो पर कम से कम आप देख लीजिए, लाइक मैं दिखा रहा हूँ गाइस, इस वीडियो पे 13.2 मिलियन लाइक मिला है। तो इस वीडियो को जरूर ट्राई कीजिए, जरूर बनाइए और मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीका। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया आए हो, पहली बार आए हो, तो इसी वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके बेल का घंटी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल क्लिक करके रखें। क्योंकि मेरे इस चैनल पर टिकटॉक का 2-3 ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल कंटिन्यू आता है, डेली आता है, तो टाइम टू टाइम मिलते रहेगा आपको। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे भी, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। तो अब चलिए वीडियो को एडिट करके सिखाते हैं कि वीडियो बनाया कैसे जाता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीका। तो चलिए गाइज, अब हम आ गए अपना स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन में आने के बाद दोस्तों, ये वाला एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन का नाम है स्नैपचैट, ठीक है। स्नैपचैट को ओपन करना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, देखेंगे ये यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन इमोजी टाइप का ऑप्शन मिलता है, तो इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो आप फेस लगाएंगे वो फेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये नीचे में यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कॉकरोच, ठीक है। तो COCK ही लिखने से ही आ जाएगा दोस्तों। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो आपको फेस पे अगर चलाना है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप ऊपर वाला को क्लिक करेंगे, ये वाला क्लिक करके रखेंगे दोस्तों, और स्क्रीनशॉट अपना ओपन कर देंगे। मोबाइल का कोई भी एक स्क्रीनशॉट ओपन कर दीजिए कुछ इस तरीका से, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं ओपन कर देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा और ऐसे करके ये आएगा। और ये रिकॉर्ड कैसे होगा, रिकॉर्ड करने के लिए आपको इसको, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, इसको आपको प्रेस करके रखना होगा, ठीक है। ऐसे करके प्रेस करके रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से रिकॉर्ड होगा। और ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जब नाक में घुसेगा तो ऐसे ऐसे कुछ करके एक्टिंग कीजिए जैसे लगे कि ओरिजिनल में घुसा है। और ये वीडियो ज़रूर बना लीजिए, और इसी तरीके से ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। अब ये वीडियो दोस्तों बन गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा स्टोरी का, ठीक है ना। तो स्टोरी पे आप जाके इसको जो है सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे सेंडिंग दिखा रहा होगा, ऊपर में देखेंगे सेंडिंग दिखा रहा है आपको, देखिए। अब वो जाके कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप बैक कर लीजिए। बैक कर लेने के बाद अब आपको अपना प्रोफाइल पर जाना है, देखिए यहाँ पर ये वो अपलोड हो रहा है, तो प्रोफाइल पे जाके क्लिक कीजिए। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे आपका जो वो जो वीडियो है यहाँ पे ऑलरेडी बन गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखेंगे ये वीडियो बन गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट, जैसे आप जैसे स्क्रीनशॉट ऑन किए हैं तो स्क्रीनशॉट ओपन हो गया है। अब देखिए कुछ इस तरीका से हो जाएगा पूरा, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा बस आपका काम यहाँ पर जो है कम्प्लीट हो गया। अब ले चलते हैं आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में, वहाँ पर एडिटिंग करके सिखाएंगे कि ये वीडियो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करते हैं गाइस। अब हम आ गए हैं अपना स्मार्टफोन में। इसके बाद से ये प्लस वाला ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ से 9:16 का रेशियो सिलेक्शन कर लेना है आपको, ठीक है। और उस वीडियो को लेके आएंगे जो आप स्क्रीनशॉट अपना स्टोरी का स्क्रीनशॉट वीडियो लिए थे, तो उसके लिए हम मीडिया पर जाते हैं और उस वीडियो को लेके आ जाएंगे जो हम लोग रिकॉर्ड किए थे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तो ये वाला वीडियो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इस वीडियो को लाने के बाद आपको वीडियो पे क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, ये लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा या शुरू में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा तो वो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल टैप करेंगे, स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो ये जो है आपका यहाँ पे दिखने लगेगा अच्छा से। इसको थोड़ा सा और आप चाहें तो जूम कर सकते हैं ताकि वो स्टोरी टैब आपका दिखे नहीं और आपका जो रिकॉर्डिंग है वो भी दिखे नहीं, ठीक है। तो इसको इतना कर लेने के बाद ये जो बीच वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों का दोनों करेक्ट हो जाएगा, फ्रेम में हो जाएगा, फ्रेम से हिलेगा नहीं। अब आपका जो है वीडियो कंप्लीट बन चुका है, ठीक। अब इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 720:30 करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।